आपका हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की। बच्चों इसका सेकंड पार्ट है और आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, और हम बात करेंगे कि कैसे किसी भी इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं और उसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी एक नए तरीके से करने वाले हैं। उम्मीद है आपको जरूर मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके सामने ये जो एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ में आप देखिए कि दो लाइंस, दो लीनियर इक्वेशंस, ये जो दो लीनियर इक्वेशन है, यहां मैं बता दूं कि मैंने एक लीनियर इक्वेशन ये 3x plus 4y is equal to 20 और दूसरी लीनियर इक्वेशन x minus 2y is equal to 0, ये दो मैंने लीनियर इक्वेशन ली है और जब मैंने इनको स्केच किया तो ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर कट करती है और ये जो पॉइंट जहां ये कट करती है ये पॉइंट ही कहलाता है इनका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से मतलब होता है ऐसा पॉइंट जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये इन दोनों के बीच में कॉमन है। ये जो Q पॉइंट है 4.2, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 1 और लीनियर इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई करता है। और अगर कोई पॉइंट दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है, तो हम कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये कॉमन पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट जो है ये ग्राफ आप देखिए, यहां मैंने दो इक्वेशंस फिर ली हैं, लेकिन इस बार इनके ग्राफ में कोई भी हमें कॉमन पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि ये जो पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, आप देखेंगे कि दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन दीज टू लीनियर इक्वेशंस। और अगर इनके बीच में अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी कि हम कहेंगे कि ऐसी इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि ये है नो सॉल्यूशन का केस। और एक और तीसरी कंडीशन हो सकती है ये वाली, जहां आपको दोनों इक्वेशंस को एक ही जगह, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आप पहली इक्वेशन देखें 4x plus 6y is equal to 18 और दूसरी इक्वेशन देखें 2x plus 3y is equal to 9, वो भी सेम लाइन, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो दोनों इक्वेशंस के कॉमन होंगे। इक्वेशन 1 के भी कॉमन होगा और इक्वेशन 2 के भी कॉमन होगा, यानी कि ऐसी कंडीशन में दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जैसे यहां 4.5, 3.1 एंड 0.3, ऑल दीज आर द पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस, और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं बेटा। सो दैट्स व्हाई वी विल से दैट such a condition is case of infinite solutions। तो यानी कि हमारे पास तीन तरह के solution हुए जहां पर एक ही point common हुआ, यानी कि अगर दो लाइनें हम एक ही plane पे अगर draw करते हैं तो या तो वो intersect करेंगी, और intersect नहीं करेंगी या तो वो parallel होंगी या coincident होंगी, यानी कि या तो solution unique होगा या उसका कोई solution नहीं होगा और या फिर उसके infinite solution होंगे। तो ये तो graphically अभी हमने समझा कि कैसे कैसे solution हो सकते हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा बिना स्केच किए कि किस इक्वेशंस के, किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, आइए उस पर भी बात करते हैं। हम एक एक करके धीरे धीरे इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा पहला केस था जो हमने अभी हमने डिस्कस किया, ये थी दो इक्वेशंस। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको इक्वेट करें, पहली इक्वेशन को अगर हम देखें तो a1 क्या है, कॉफिशियंट ऑफ x है, तो कॉफिशियंट ऑफ x कितना होगा, 1 होगा। यहां देखिए क्योंकि ये 1x है तो कॉफिशियंट ऑफ x इज 1। एंड b1y कॉफिशियंट ऑफ y यानी कि b1 वो होगा -2। एंड c, व्हाट इज c हियर, c इज 0। ओके, So, A2, अगर हम देखें सेकेंड इक्वेशन में तो A2 की वैल्यू हुई 3 और B2 की वैल्यू हुई 4 और C2 जो है वो हमारे पास कितना हुआ, -20। कैसे, हम इसको इधर ले जाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो C2 की वैल्यू हुई -20। अब आप समझेंगे कि हमारा इससे क्या लेना देना है, क्यों हम ये कॉफिशियंट x और y के दोनों इक्वेशन से ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि बेटा इन्हीं में छिपा है राज कि कौन सी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो आइए समझते हैं कि अगर मैं देखिए पहले इक्वेशंस के बारे में बात करूं तो यहां अगर मैं a1 और a2 की रेशियो लेता हूं तो वो होती है 1/3, और यहां अगर मैं b1 और b2 की रेशियो लेता हूं तो -2/4 यानी कि 1/2,
तो माइनस वन बाय टू। जब तक ये ए वन और बाय ए टू की रेशियो बी वन बाय बी टू के इक्वल नहीं होगी, तब तक लाइंस जो है पेयर ऑफ लाइंस है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो सॉल्यूशन होगा हमारा यूनिक। तो ये हुई हमारी पहली बात। अब ये भी हम समझेंगे कि ए वन बाय ए टू और बी वन बाय बी टू को इक्वल ना होने से क्यों इंटरसेक्ट करेंगी और क्यों नहीं करेंगी, इस बारे में भी हम और डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू होने से लाइन हमारी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी तो सॉल्यूशन होगा यूनिक, यानी कि ये है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो मैं यहाँ इसको भी क्लियर कर देता हूँ कि कंसिस्टेंट क्या होता है। देखिए सॉल्यूशन होते हैं बेटा हमारे पास दो तरह के। सबसे पहले अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशन होते हैं हमारे दो तरह के, यानी कि या तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब उसका कोई सॉल्यूशन है, यानी कि कोई ना कोई पॉइंट उनके बीच में आपस में कॉमन है, और इनकंसिस्टेंट मतलब उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, मतलब पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल है। अगर कंसिस्टेंट है तो दो बातें हो सकती हैं। फर्स्ट थिंग दैट इट मे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या ये हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। तो यानी कि कंसिस्टेंट मींस इफ द सॉल्यूशन दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट। ओके, तो अगर किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस का कुछ सॉल्यूशन है, यानी कि तो उसे हम कहेंगे ऐसा सिस्टम कंसिस्टेंट है, चाहे वो यूनिक हो या इनफाइनाइट। और अगर इनफाइनाइट ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब देयर इज नो कॉमन पॉइंट, यानी कि ये केस होता है नो सॉल्यूशन का। चलिए और डिटेल से इसके बारे में बात करते हैं। अभी हम जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, जहां हमारे दूसरी तरह का कर्व था। तो ये जो हमारा रेड बॉर्डर वाला कर्व था, जहां पर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं था, अगर इसको भी मैं उसी तरह से इक्वेट करूं बच्चों, तो क्या आएगा? देखिए यहां पर इस केस में ए वन की वैल्यू टू है और बी वन की वैल्यू वो है हमारी फोर, और C1 है यहाँ पर माइनस 12। इसी तरह से A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू है माइनस 4। ओके, सो यहाँ देखिए A1 by A2 निकालिए कितना आया, 2 by 1। तो ये हुआ हमारा A1 by A2 की वैल्यू, और यहाँ B1 by B2 अगर निकालें तो 4 by 2, ये भी हुआ हमारे पास 2। तो पिछले केस में क्या था, पिछले केस में था a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो हमने कह दिया था यूनिक। और अगर इक्वल हो गए, अगर a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल हो गए, तब हमें क्या करना है, तब हम चलेंगे तीसरे पॉइंट की ओर, तीसरे पार्ट की ओर, जहां हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये पैरेलल लाइन होंगी या पैरेलल नहीं होंगी। तो तीसरा अगर हम देखें c1 by c2 के अगर हम रेशियो चेक करें तो माइनस 12 by माइनस 4 यानी कि 3, तो ये इक्वल नहीं है C1 by C2, यानी कि लाइन होगी हमारी पैरेलल। सो लाइंस आर पैरेलल, और आपको पता ही है कि जब लाइंस हमारी पैरेलल होंगी तो क्या होगा केस, यानी कि नो सॉल्यूशन, दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो ये हुआ हमारे पास सेकंड केस, यानी कि सो इफ लाइंस आर पैरेलल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, दैट मींस इट्स एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ओके, चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, जहां पर हमारे पास है तीसरी तरह का कर्व, जहां दोनों लाइन सेम हो गई है, यानी कि कोइंसाइड कर गई है। सो ये है हमारे पास दोनों लाइंस की इक्वेशंस, और जब मैंने इनको स्केच किया, ग्राफ बनाया, तो दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम लाइन के ऊपर आया। तो यहां अगर मैं देखूं तो यहां A1 की वैल्यू है बेटा हमारे पास 4, B1 है 6 और C1, बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे C1 की वैल्यू कितनी होगी। यस, इट इज -18। So, A2 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू जो है वो है -9। अब यहां चेक करते हैं रेशियो A1 by A2 की, जो कि है 4 by 2 यानी कि 2। चेक करते हैं B1 by B2 की, और ये भी है 6 by 3 यानी कि 2। और अब चेक करते हैं C1 by C2 की रेशियो, तो C1 by C2 की अगर हमने रेशियो चेक की तो -18 by -9 और ये भी आई 2। तो यानी कि ये एक पर्टिकुलर केस हुआ जहां पर A1 by A2 is equal to B1 by B2 and is equal to C1 by C2। और अगर ऐसा हुआ तो आपने देखा लाइंस कैसी बन रही हैं, हमारी लाइंस बन रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर बन रही हैं, यानी कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो होंगे हमारे कॉमन। और यानी कि ऐसे इक्वेशंस को कैसे कहेंगे हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। मैं इस वर्ड को भी डिस्कस करना चाहता हूं आपसे कि डिपेंडेंट से क्या मतलब है। सो
These lines are coincident. The equation have infinity many solutions, और इसे हम consistent pair of equations कहेंगे, लेकिन solution dependent होगा. Means depend करेगा एक दूसरे के ऊपर. यानी कि अगर देखा जाए तो दोनों lines की equation जो है वो same है. Depend कैसे करेगा? Depend करेगा बेटा, जैसे मान लीजिए कि मैंने पहली equation, ये जो equation है मैंने लिख दी, क्योंकि दोनों same है तो मैं कोई भी एक लिख लेता हूँ. यह डिपेंडेंट इस तरह से है कि आपका आंसर सॉल्यूशन क्या आएगा डिपेंड करेगा एक दूसरे वेरिएबल पर, कि आपने एक्स क्या लिया उसके अकॉर्डिंग वाई आएगा, और वाई क्या लिया उसी के अकॉर्डिंग एक्स आएगा. तो जैसे यहां पर मान लीजिए कि मैंने एक्स की वैल्यू 3 ली, तो आप देखिए कि वाई की वैल्यू कितनी आएगी 1, और एक्स की वैल्यू जैसे ही मैं 4.5 लेता हूं तो वाई की वैल्यू होती है 0. तो यानी कि डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर, और जितने भी हम ये पॉइंट बनाएंगे और ये सारे के सारे इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, तो यानी कि सॉल्यूशन एक दूसरे पर एक्स और वाई वेरिएबल पर डिपेंड करता है. तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. तो ये थे तीन तरह के हमारे पास सॉल्यूशन. तो अब तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूशन ऐसे पॉइंट को कहते हैं जो हम जब हम उसको स्केच करें तो दोनों की दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस है उनको सेटिस्फाई करें. अब ये हो गया कि सॉल्यूशन तो हमें पता लग गया क्या होता है. अब हमें समझना था कि कितनी तरह के हो सकते हैं. तो देखिए, दो लाइन या तो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसाइड करेंगी, और इसके अलावा किसी भी प्लेन में ऐसी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो ये है हमारे पास. मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूं. ये है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. तो उसके बाद में हमने देखा पहला केस जहां a1 by a2 is not equal to b1 by b2 था. तो आप सोच करके बताइए मुझे कि किस तरह का सॉल्यूशन यहां पर हमें मिला था. Yes, it is a consistent pair of equations, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हमें यहां पर मिला था. और अगर उसके बाद में अगर ये दोनों इक्वल हो गए, a1 by a2 is equal to b1 by b2, तब हमने चेक किया क्या c1 by c2 को. और अगर ये इक्वल नहीं है तो कौन सा सॉल्यूशन था? सेकेंड टाइप, याद कीजिए रेड बॉर्डर से. यस, ये था हमारा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी कि नो सॉल्यूशन. और जब तीसरे टाइप है जहां सब कुछ इक्वल है, मतलब लाइन की इक्वेशन भी इक्वल है और लाइन की इक्वेशन भी इक्वल है, तो हम कहेंगे इसे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है, यानी कि यहां पर हमें मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो चलिए मैं इसको एक और ग्राफ के द्वारा आपको समझाता हूं. तो ये है हमारा नेक्स्ट ग्राफ जहां आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा, और अपनी नोटबुक में नोट करना मत भूलिए. तो ये है हमारे पास, यानी कि लाइंस की फुल डिटेल में मैंने यहां इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. तो ऐसा अगर केस है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन. सेकंड केस ये आएगा हमारे पास पैरेलल लाइंस, यानी कि नो सॉल्यूशंस. ऐसा केस होगा पैरेलल लाइंस का, यानी कि नो सॉल्यूशन. और अगर इसकी बात की जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस, दैट मींस इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस. तो फटाफट से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए. और क्योंकि हम सॉल्व करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से इन सबको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो आप भी इसको समझने में बड़ी आसानी से आप उसको समझ पाएंगे. और मैं इसके लिए आपको एक लिंक भी दे दूंगा कि आप उसे खुद भी घर पर ट्राई कर सकते हैं. तो चलिए शुरू हो जाते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के लिए. तो बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, और दो लाइनें आपको एक रेड और ब्लू कलर से दिखाई दे रही हैं. तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया है जहां ये जो A1 है, A2, B1, B2 और C1, C2 मैं कंट्रोल करूंगा इन थ्री लाइंस की मदद से. ये देखिए, ये और ये ब्लू लाइंस जो है ब्लू लाइन को कंट्रोल करेंगी, और रेड लाइन जो है वो रेड लाइंस को कंट्रोल करेंगी. तो हम अपने हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ भी A1 की वैल्यू -1 ली हुई है, मैं इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं. कुछ भी आप चाहें वो ले सकते हैं. मान लीजिए कि एक इक्वेशन ले ली मैंने 2x + 3y = 3, या आप इसे और चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? सो आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर लीजिएगा. तो मैं इसको कुछ कुछ वैल्यूज को मैं चेंज कर रहा हूँ, और देखते हैं. ये मैंने एक इक्वेशन ले ली. तो पहली इक्वेशन क्या हो गई, जो हमें पिंक कलर में दिखाई दे रही है, 5x - 2y = 7. और इसी तरह से हम सेकंड लाइन की इक्वेशन को भी अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं. आपकी मर्जी है, आप जो चाहें यहाँ लेना चाहें वो आप ले सकते हैं. तो जिसे मान लीजिए कि मैं जैसे जैसे चेंज करता जाऊंगा, आपको उसके अकॉर्डिंग, देखिए ये रेड लाइन भी मैंने चेंज कर ली है, आप इसे और चेंज करना चाहें तो और चेंज कर लीजिए, और अगर आप इससे सेटिस्फाई हैं तो यहाँ भी हम रख सकते हैं. चलिए, मैंने इसको यहाँ रख लिया है, दूसरी इक्वेशंस को, या इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, बी को 0 की बजाय हम कुछ और ले लेते हैं. यस,
ये मेरा हुआ b, ठीक है। चलिए तो ये हमारी फाइनल पोजीशन है। तो ये आपके लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप इसको चेंज खुद से भी कर पाएंगे। यहां देखिए बच्चों, अब यहां पर मैंने a1 by a2 की वैल्यू निकाली, a1 था 5, a2 था 3, तो a1 by a2 की वैल्यू 1.67 आए, b1 by b2 की वैल्यू जो है वो -1 आई, और c1 और c2 की वैल्यू 0 आई। तो देखिए पहला केस देखिए, अब जब दोनों इक्वल नहीं है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, अब तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल नहीं है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 2, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू क्या है 1.5 है। समझ में आया बच्चों? तो यानी कि अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 तो आप क्या डिक्लेयर करेंगे, लाइंस इंटरसेक्टिंग है और उनका एक यूनिक सॉल्यूशन है। चलिए अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ a1 की वैल्यू ले लेता हूँ 3 या 1, और a2 ले लेता हूँ उससे जस्ट डबल 2, b2 -2 है तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको ले लिया मैंने 2, और यहाँ b2 ले लेते हैं 4। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, a1 by a2 is equal to b1 by b2, लाइंस कैसी हो गई अपने आप पैरेलल, और क्या हुआ c1 by c2 इसके इक्वल नहीं है, तो लाइंस कैसी हो गई पैरेलल लाइंस, और सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। और अगर मैं इस केस में इनको भी इक्वल कर देता, मान लीजिए कि इसको मैं -6 डबल लिया है ना हमने, तो हम यहाँ क्या करते हैं -2 ले लेते हैं और इसको -4 ले लेते हैं। अब देखते जाइए आप क्या हुआ भाई, जैसे ही मैंने तीनों को इक्वल किया, ये देखिए इन तीनों को इक्वल किया तो क्या हुआ, लाइंस कोइंसाइड कर गई, दैट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यहां भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, मतलब ये कैसा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ये सारे के सारे पॉइंट जो है दोनों लाइंस के कॉमन है, तो इतने सारे पॉइंट यहाँ नहीं लिख सकते थे, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा शो कर रहा है। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा, आप खुद प्रैक्टिस भी कीजिए इसकी, आप खुद लाइंस की डिफरेंट लाइंस लेकर के इसको सॉल्व कीजिए, और एट अ क्लिक आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, तो अब हम बात करते हैं, लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। और क्या था ये, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो पहली नजर में हमें ये चीज समझ में आता है, दो वेरिएबल है, एक तो नंबर ऑफ बॉयज है, एक नंबर ऑफ गर्ल्स है। ओके, तो नंबर ऑफ बॉयज को हम x मान लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। फटाफट एक निगाह मारिए अपनी स्टेटमेंट पे फिर से, क्या था यहाँ पर, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, दैट मींस बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन देखूं तो बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 10, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू 10, और ये हमारी फर्स्ट जो है लीनियर इक्वेशन तैयार हो गई इन टू वेरिएबल। सेकंड थिंग, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि y इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो जितने बॉयज हैं उससे 4 एक्स्ट्रा, सो गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। और जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो y को इधर ले जा सकते हैं, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इसको भी हम -10 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, दोनों ही इक्वेशन एक फॉर्मेट में आ गए। तो उम्मीद है आपने लिख ली फटाफट इक्वेशन। चलिए अब इक्वेशन अगर लिख ली तो इसको हम ग्राफिकली सॉल्व भी करते हैं, तो पहली मैं टेबल बना रहा हूं पहले इक्वेशन के लिए, आप भी मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में बनाते जाइए। तो ये है x और ये है y, और यहां हम सोल्व करने वाले हैं पहली इक्वेशन x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर मैंने x की वैल्यू ली यहां पर, मान लीजिए बच्चों यहां पर ली 0, तो y हो जाएगा 10, और अगर मैंने y को 0 लिखा तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, आपने x को 5 लिखा तो y हो जाएगा 5। दो या तीन पॉइंट सफिशिएंट होते हैं किसी भी लाइन को डिसाइड करने के लिए। सेकंड जो लाइन है उसकी बात करते हैं, तो ये बनाया मैंने सेकंड लाइन के लिए बॉक्स, ये x, ये y, और यहां मैं लिखता हूं सेकंड लाइन को ताकि मुझे ध्यान रहे कि कौन सा बॉक्स किसके लिए बना है।
चलिए x को लिया 0 तो y की वैल्यू हुई 4, और y को लिखा 0 तो x की वैल्यू हुई हमारे पास x को 0 लिखा तो y हुआ 4, और अगर हमने y को 0 लिखा तो x हुआ -4। और यहां पर x को लिखते हैं 4 तो y हो जाएगा हमारे पास 8। तो ये तो हमारी पॉइंट टेबल बन गई। अब हम स्केच करते हैं ग्राफ को। ये हमारा ग्राफ, यहां पर हम x एक्सिस लिखते हैं और ये है y एक्सिस। पहले हम फर्स्ट लाइन का कर्व स्केच करते हैं। यहाँ x 0 है तो y हमें tan लेना है, x 0 है तो y tan, यानी कि ये वाला पॉइंट। दूसरा, when x is tan y 0, तो y 0 होता है x एक्सिस पर, तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। और जब x 5 है तो y भी 5 होगा। चलिए इन दोनों को मिला देते हैं, x 5 है तो y भी हमारा 5 होगा, ये वाला तीसरा पॉइंट है। हमें वैसे इसकी जरूरत नहीं है, दैट इज सफिशियंट। तो पॉइंट को मिलाने से हमारा काम चल जाएगा। दूसरा है, जब x 0 है तो y की वैल्यू है 4, तो ये पॉइंट हुआ। जब x -4 है तो y 0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हुआ। चलिए इन दोनों को भी मिला देते हैं, और ये जो है, तो देखिए अब हमारे पास क्या इसका आंसर आ गया है। तो ये जो पॉइंट है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और देखते हैं ये पॉइंट क्या है। ठीक है, तो पूछिए ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और यही है हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 7, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, 3, 7। ओके, तो आप इसको किसी भी इक्वेशन में रख के देख सकते हैं, दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो आपका आंसर सही आएगा। देखिए मैं x 3 रखता हूँ, y को 7 रखता हूँ, तो 3 + 7 - 10 = 0। यस, इट इज वेरी करेक्ट। और सेकेंड पार्ट में भी अगर मैं रख के देखता हूँ, तो 3 - 7 + 4 = 0, तो -4 + 4 = 0, ये भी सही है। यानी कि ये हमारा आंसर करेक्ट है, आपको कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है, और आप इसे ग्राफ पे अच्छे तरीके से बनाएंगे। ठीक है, या आपके पास अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप ठीक से इक्वल मार्क्स स्केल लेकर के लगाइए। जो नेक्स्ट सम है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2, फाइंड वेदर द फॉलोइंग लाइन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसाइडेंट। यहाँ देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट की यहाँ हम बात कर लेते हैं। ये जो है, तो यहाँ इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है भाई, A1 कितना है 5, फटाफट बोलिए क्योंकि अब हम ये कर चुके हैं। B1 कितना है -4, और C1 कितना है 8 है। A2 7, B2 6 एंड C2 -9। तो A1 by A2 निकालिए कितना हुआ, A1 by A2 5/7। B1 by B2 कितना हुआ -4/6। तो क्या A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल है, नॉट इक्वल है। सो नॉट इक्वल है तो आप याद कीजिए कौन सा केस हुआ, केस नंबर 1, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो क्या होता है, सॉल्यूशन कितना होता है, यूनिक होता है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाला अगर हम देखेंगे तो A1 और A2 9/18, B1 और B2 3/6। यहां तक तो इक्वल है क्योंकि ये 1/2 है, ये भी 1/2 हुआ। अब हमें चेक करना पड़ेगा C1 by C2 12/24, ये भी 1/2 है। तो यानी कि तीनों इक्वल हो तो ये केस कैसा हुआ, यस पैरेलल लाइंस। तो ये हुआ पैरेलल लाइंस, यानी कि नो सॉल्यूशंस। ये थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, तो इसी तरह से आप थर्ड पार्ट भी चेक कर सकते। सो हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, तो ये है हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, रेक्टेंगुलर गार्डन में कितने वेरिएबल होंगे हमारे पास, हमारे पास वेरिएबल होंगे दो, एक तो एक्स एंड वाई। सो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज एक्स एंड विड्थ इज वाई। ओके, सो वाई मीटर हम लिख देते हैं। ठीक है, सो अब ये कहता है कि देखिए हाफ ऑफ द पेरीमीटर, वैसे पेरीमीटर कितना होता है, 2 × L + B, ये होता है ना पेरीमीटर का। सो इसका पेरीमीटर कितना होगा, सो 2 × X + Y। व्हेन लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, ओके इज 36। सो पेरीमीटर इज नॉट 36, हाफ ऑफ द पेरीमीटर यानी कि P/2, हाफ ऑफ द पेरीमीटर यानी कि X + Y = 36। तो हमारे पास पहली इक्वेशन बन के आ गई बेटा, X + Y = 36। ओके, और दूसरी क्या कहा इसने, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, द
दैट मीन्स लेंथ यानी कि x इज y प्लस 4, ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज 4 मोर देन दिस विड्थ, अगर इस विड्थ में हम 4 ऐड कर देंगे दैट विल बी इक्वल टू लेंथ, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब आप इसका ग्राफ बना सकते हैं आई थिंक, तो ये ग्राफ बनाने का काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय दीज लाइंस x एक्सिस एंड द शेड ऑफ द शेड द ट्रायंगुलर रीजन। बहुत ही आसान है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये लिखी मैंने दोनों इक्वेशंस को, आइए पहले सबसे पहले इस टेबल को बना लेते हैं। तो यहां पर मैं x की वैल्यू अगर मैं लेता हूं 0 तो y हो जाएगा 1। आपको सॉल्व करके देखना है 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1। ओके, जब मैंने x को 0 लिया तो इसी तरह से अगर मैं y को 0 लेता हूं तो x हो गया हमारा माइनस 1। ओके, सो दूसरे अगर टेबल की बात की जाए तो यहां क्या होगा, अगर मैंने x को 0 लिया तो y होता है 6 और अगर y को 0 लिया तो x होता है हमारे पास 4। तो y को 0 लेंगे, देखिए मैं एक निकाल के दिखाता हूं, y को 0 लिखेंगे तो 3x प्लस 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम ये पॉइंट निकालते हैं। तो चलिए ग्राफ पे मार्क कर लेते हैं, एक है x y 1 है, x 0 है तो y 1 है और जब x माइनस 1 है तो y 0 है, तो यानी कि ये दो पॉइंट हैं। चलिए इन दोनों को मिला लेते हैं, आप स्केल से मिलाइएगा, मैं वैसे ही फ्री हैंड इसको स्केच कर दे रहा हूं। सेकेंड, x 0 है तो y है 6, तो x 0 है तो y की वैल्यू 6 है। दूसरा, जब x 4 है तो y 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर देते हैं, ऑलमोस्ट करेक्ट है ना, लाइन ठीक ठाक सीधी लग रही है बच्चों, यस, आप इसे स्केल से बनाइए। अब हमें क्या करना है, देखिए स्टेटमेंट को समझिए। So determine the vertices of the triangle formed by the lines, ये lines दोनों lines मिला करके और x-axis मिला करके, तो कौन सी triangle बनी, ये हमारे पास triangle बनी A, B और C। और इस triangle के अगर हम vertices की बात करें, मैं इसको थोड़ा शेड कर देता हूँ ताकि ये इजिली पहचान में आ जाए, ये किया मैंने शेड। ओके, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ क्या करते हैं, ये vertex क्या है 4.0 और ये वर्टेक्स कितना है -1.0 है, तो दो वर्टेक्स पता लगे। और तीसरा वर्टेक्स क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। तो तीसरे वर्टेक्स के लिए मैं ये देखता हूं कि x की वैल्यू है यहाँ पर 2 और y की वैल्यू है 3, तो 2.3। और अगर आप स्केच से बनाएंगे, आप पेंसिल से बनाएंगे ठीक से, बिल्कुल एक्यूरेट आपके आंसर आएंगे। तो ये हमारे तीनों वर्टेक्स आ गए, ए के कोऑर्डिनेट्स हुए 2.3, बी के कोऑर्डिनेट्स -1.0 और सी के कोऑर्डिनेट्स 4.0, करेक्ट है। चलिए ये था आज का हमारा वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और समझ भी आएगा। अगर आपको समझ आया है तो आप इसमें लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा ईमेल, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट नीचे दिया गया है। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन राइट टू अस, फील फ्री टू राइट अस। थैंक यू वेरी मच।